हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। मैं आगी गेम पोर्टल 2.0 की एक और वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम खेलेंगे डूड थेफ वॉर्स का अगला पार्ट, जिसमें आज बताने वाला हूं थर्ड कैरेक्टर का सीक्रेट लोकेशन। तो गेम स्टार्ट हो गया है, तो भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया हाँ यार, आ जाइए। ओए आगी, मैंने सुना है ड्यूड थेफ वॉर्स में भी लॉकडाउन शुरू हो गया है और यहाँ भी पुलिस ने कड़ा पहरा लगा के रखा हुआ है। चल हम गाड़ी निकाल के घूमने चलते हैं। अरे आगी, हमारी गाड़ी कहाँ गई? लॉकडाउन में किसने चुरा लिया? घबराई नहीं भैया, ये हमारी गाड़ी देखिए। नो 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 अरे नहीं मुन्ना, ये ऑटो हमारी गाड़ी नहीं हो सकती। ये क्या, अब हम ऑटो चलाएंगे? यही दिन देखना रह गया था ड्यूड फॉर थेफ में। इस गेम में इतनी महंगी गाड़ी होते हुए तू ऑटो चलाएगा? अरे भैया, वैसे भी लॉकडाउन है, कौन हमें देखने वाला है? अरे ये लेमिनेट वाला, लेमिनेट कैसे बेच रहा है? अरे भाई, लॉकडाउन हो गया, तुमको पता नहीं है, चलो यहाँ से जाओ। अम्मा हमको सिखा रही है, ले। ओए मुन्ना, इसने तुझ पर हाथ उठाया, नहीं छोड़ूंगा इसे, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, क्या समझता है अपने आपको? अरे भैया ये क्या किया, आपने मुझे मार दिया, अब हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अरे बाल बाल बचे भैया, किसी ने देख लेता तो क्या होता। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम सैनिटाइजर ले लेते हैं। क्या है, वायरस फैला हुआ है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। ओए हमारे घर में तो बॉटल थी ना, कहाँ गई? अरे भैया वो खत्म हो गई है। वो इस दुकान में जाकर पूछते हैं, भैया आपके पास सैनिटाइजर मिलेगा? अरे मोटा भाई, क्यों मजाक करता है? अरे मुन्ना, तू हमें गन शॉप ले आया? अरे सॉरी भैया, मैंने ध्यान नहीं दिया। जरूरी यहाँ आ गए हैं तो मैं आपको ऐसी लोकेशन बताता हूँ जहाँ आपको फ्री में पैसे मिलेंगे, जिसमें से पहला है ये ड्यू मार्ट। इसमें काउंटर में पैसे रखे हुए हैं, आप सीधा उठा सकते हैं। और भाई कैसे हो, थैंक यू पैसे देने के लिए। ऐसे ही यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आपको पैसे मिल जाएंगे, बस आपको जाके उन्हें उठाना वर है। तो ये गन शॉप में तो हम आए थे, देखिए इसके पास कोई काउंटर नहीं है, और कोई बात नहीं, पास में एक टॉय शॉप है, वहाँ भी जाके आप पैसे ले सकते हैं। ये देखिए ये टॉय शॉप है, यहाँ आपको जाना है। ओए मुन्ना, मुझे नहीं पता था ड्यूड थेफ वॉर्स में इतनी सारी जगह है जहाँ से तो आपको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है। अरे तुमने पैसे कहाँ रख दिए? काम नहीं तो रहता था। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे दुकान में चलते हैं, जो कि है वो सामने गोरिल्ला बर्गर, वहीं जाना है हमको। देखिए इसके काउंटर में भी काफ़ी पैसे रखे होते हैं, तो भाई बर्गर मैं ले जाऊं और पैसे भी, बोला तो नहीं मानोगे ना, तो मैंने दोनों रख लिए हैं। अरे चोर चोर चोर, मेरे पैसे चुरा लिए, आप पुलिस बचाओ। अरे मुन्ना, तूने तो कहा था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये तो पुलिस बुला रही है, भाग यहाँ से। अरे भैया इसे डराना पड़ेगा, बहुत पुलिस पुलिस करती है। अभी मैं गन शॉप से गन लेता हूँ, फिर इसे बताऊँगा। देखिए ये एक और दुकान है जहाँ से आपको फ्री में पैसे मिल सकते हैं। और भाई पैसे चाहिए, भाग जाओ, कितनी गंदगी फैला के रखी है। उसके अलावा ये कम्युनिटी हॉल है जहाँ से आपको, यानी टाउन हॉल है, यहाँ आपको पैसे मिलेंगे। देखिए यहाँ टेबल पे आपको पैसे मिल जाएंगे। अरे वाह मुन्ना, यहाँ तो पैसे ऐसे ही रखे रहते हैं, बढ़िया मुन्ना बढ़िया, अब तो पैसे ऐसे ही मिल जाएंगे। A few moments later. अरे भैया देखिए, ये गैंग वाले यहीं पर बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ख्याल नहीं है। अरे भागो, लॉकडाउन हो गया, समझ नहीं आता आपको? ओए मेरे को मारता भी बताता हूँ। ओए मुन्ना, इसने तुझ पर हाथ उठाया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये ले। बढ़िया भैया, जो नहीं सुनेगा उसका यही हाल होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक आदमी सड़क में गाना सुन रहा है। अरे भाई गाड़ी आएगी,
ना जाओगे? हटो यहाँ से, हट जाओ। अरे ये तूने क्या कर दिया, वो तो सिर्फ गाना सुन रहा था। अरे भैया भागना होगा, हम पब्लिक में ऐसी हरकत नहीं कर सकते। देखिए ऊपर तो एक स्टार भी हो चुका है। ओए मुन्ना, तूने पैसे की लोकेशन तो बता दी, अब वो थर्ड कैरेक्टर का लोकेशन भी बता दे। ठीक है भैया, बताता हूँ। पर पहले थोड़ी शॉपिंग तो कर लूँ। अब हमारे पास काफी पैसे हो गए हैं, तो हम अब गन खरीद सकते हैं भैया। हे भाई, गन कितने के दिए? अच्छा, रेट लिस्ट तो यहीं लगी हुई है। देखिए भैया, AK-47 $500 की है, बाकी सब बहुत महंगी है। तो ऐसा करते हैं, AK-47 ले लेते हैं, और बाकी सब तो बहुत महंगी है। अब एक काम करते हैं कि इसकी बुलेट भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर बुलेट है, तो यहाँ बुलेट भी ले लेते हैं। ओए मुन्ना, खाली बुलेट मत लेना, इसके साथ साथ में तू बम भी ले लेना, बम बहुत काम आएगा। ओके भैया, यानी हमको साथ में हाथ में गन पकड़ना पड़ेगा, तब ये बुलेट लेगा। देखिए अभी परचेस का बटन आया, तो मैं खूब सारे बुलेट ले लेता हूँ, उसके साथ फिर हम बम भी लेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल बम ले लेता हूँ। देखिए ग्रेनेड है $30 के, दोनों अलग अलग टाइप के, तो दोनों के 20-20 बम ले लेता हूँ। तो ये देखिए, पहले ये वाला लेता हूँ, तो इसके कम से कम 20 ले लेता हूँ, और वैसे ही दूसरे बम के ले लूँगा। देखिए अब ये वाला बम ले लेता हूँ साथ में। अब मेरा एक सीक्रेट प्लान है भैया, सुन लीजिए। बम लेने के बाद हम इसकी ही शॉप को उड़ा देंगे, खूब मजा आएगा। बम की टेस्टिंग हम इसी की दुकान से करते हैं, तो चलिए चलते हैं। और ये मैंने बम फेंका। भैया देखिए कैसा भाग रहा है, मजा आ गया भैया, मजा ही आ गया। अब हमें सारी गन फ्री में मिल जाएंगी। अरे मुन्ना, ऐसा होता तो काफी मजा आता, लेकिन ये गेम है, इसमें ऐसा नहीं होता। अब तो वो सब छोड़, मुझे थर्ड कैरेक्टर का पता बता, कहाँ पर मिलेगा वो? ठीक है भैया, बताता हूँ, आपको बताता हूँ। पर पहले मैं इस गन की टेस्टिंग तो कर लूँ, क्योंकि बम की टेस्टिंग तो हमने कर ली, अब इस की टेस्टिंग भी कर लेते हैं। देखिए, अरे वाह, बढ़िया चल रही है ये गन। पर ये आदमी मरता क्यों नहीं है, क्या नकली गोली है इसकी? अरे अब मरा है, इतनी सारी गोली मारनी पड़ी तब मरा। तो गन तो सही काम कर रही है भैया, इस पे चला के देखता हूँ। और भाई कहाँ जा रहे हो ऐसे फास्ट फास्ट, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारे पैर पे व्हील लगी हुई है? अरे वो तो भाग गया, पर हॉगी के चंगुल से बच के जाएगा कहाँ? वो देखिए सामने है, अभी बताता हूँ। अरे रुक जा, देख मेरे पास अच्छी गन है, तू अच्छी गन से मरेगा। देख ये देख, कितनी अच्छी चलती है, मर गया। अरे बस हो गया मुन्ना, अब तू मुझे लोकेशन बता, कहाँ पर है? ठीक है भैया, काफ़ी हो गई मस्ती, अब चलिए आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ पर है वो थर्ड कैरेक्टर। और तो उसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि पुलिस स्टेशन में उसका पोस्टर भी लगा हुआ है, और उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी है। तो चलिए भैया, सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, और मैं आपको उसका पोस्टर दिखाता हूँ, उसके ऊपर 50,000 का इनाम है। ये देखिए भैया, ये है पुलिस स्टेशन, और ये है उसका पोस्टर वांटेड वाला। देखिए इसमें डेंजरस भी लिखा हुआ है, और उसके ऊपर रिवॉर्ड भी है 50,000 का। ओए मुन्ना, ये तो खतरनाक है, इसको ढूंढना सही लग रहेगा कि नहीं? नहीं भैया, वो केवल पुलिस के लिए खतरनाक है, हमारे लिए नहीं। देखिए, और हर एक क्रिमिनल की बात, खास बात ये है इस गेम में कि वो क्रिमिनल पुलिस के घर के इतने पास रहता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के पास इतने पास रहने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ती रही है। जैसे कि किरिल पुलिस के घर के पास काफ़ी पास रहता है, पर पुलिस कभी उसे पकड़ती नहीं, वो दिन रात नाचता रहता है। रिची भी जेल से भागने के बाद पास में ही रहता है, लेकिन कभी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। वैसे ही ये क्रिमिनल है, ये भी पुलिस स्टेशन के कितने पास है देखिए,
ये रहा, और यहाँ पर आपको और पैसे मिलेंगे, इसे आप रख सकते हो। ओए मुन्ना, ये जगह तो तूने पिछले बार दिखाई थी, मुझे याद है। अरे ये वही आदमी है, देखने तो दे इसकी शक्ल, और कितना बड़ा हथियार लेके घूम रहा है। अरे हाँ, ये तो वही है। ये है भैया वो थर्ड करेक्टर, पता नहीं ये कब आएगा और हम ये बनकर खेलेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल इसके ऊपर कमिंग सून लिखा हुआ है। तो ये था भैया वीडियो, होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।